मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ, जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जबकि करीब 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस ब्लास्ट से पूरा शहर हिल गया। धमाके के बाद भीषण आग ने पटाखा फैक्ट्री को घेर लिया। जानकारी के मुताबिक आसपास के करीब 50 से ज्यादा घर आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। दिल दहला देने वाली तस्वीर नजर आई। फिलहाल 20 से ज्यादा घायलों को हरदा के जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। आसपास के जिलों की फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी हरदा के लिए मौके पर पहुंची हुई हैं। रेस्क्यू अब भी जारी है। जानकारी के मुताबिक मगरधर रोड स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में सुबह विस्फोट होने के बाद भीषण आग लग गई। फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला सहित फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। सीएम मोहन भागवत ने संज्ञान लिया। अस्पताल में तैयारी करने के लिए उन्होंने तमाम दिशा निर्देश पहले ही दे दिए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होमगार्ड अरविंद कुमार हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए। वो वहां पहुंचे। भोपाल और इंदौर में मेडिकल कॉलेज, एम्स और भोपाल में बोर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश भी पहले ही दिए जा चुके थे। इसके अलावा इंदौर और भोपाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर भेजी गई। राहत के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। हरदा पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड को लेकर नर्मदापुरम से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस हरदा भेजी गई। नर्मदापुरम से भी स्टाफ हरदा के लिए रवाना हुआ। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नर्मदापुरम से 6 फायर ब्रिगेड और 4 एम्बुलेंस डॉक्टर स्टाफ के साथ हरदा के लिए मौके पर पहुंची हुई हैं। लेकिन सवाल ये कि फैक्ट्री अवैध थी, इसका संचालन कैसे हो रहा था, किसके संरक्षण में हो रहा था, इस पर एक्शन कैसे नहीं लिया गया, क्यों ये लगातार प्रशासन और शासन की आंख में धूल झोंकते हुए नजर आए। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये जो घर इतने जल गए हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। फिलहाल तो घायलों को प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है, आगे इसकी जांच की बात भी की जा रही है। लेकिन जांच तो होती रहेगी। जिनकी मौत हो गई और जो जिम्मेदार है, उस पर एक्शन कब होगा? और ऐसी कितनी फैक्ट्रियां हैं जो चल रही हैं, जो मानक के विपरीत हैं, जो मानक में पूरी तरह से खरा नहीं उतर रही हैं, उन पर एक्शन कब होगा, ये देखना है।